गाइस, मेरा नाम है जीशान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में दी अमेजिंग जीशान आर्ट्स। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक और एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ। तो लास्ट टू लास्ट टाइम हमने बनाया था अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को, तो इस बार हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बिना किसी बकवास के बस यही एक बात कि हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फर्स्ट मैं HB की शेडिंग करूँगा, HB से पूरा अच्छे से मैं लेफ्ट कॉर्नर को भर दूंगा और उसके बाद हम एकदम पेशेंटली करेंगे धीरे धीरे। मैंने बहुत फास्ट किया हूँ वीडियो को ताकि आप लोग को मैं अच्छे से समझा सकूँ, और मैं अच्छे से समझाने के लिए वीडियो को फास्ट करता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। और देखते जाइए, और इसके बाद मैं 2B से मैं करूँगा अच्छे से, मैं 2B के साथ मैं शेडिंग करूँगा, 2B की शेडिंग करूँगा, पूरा ब्लैंक स्पेस भरूँगा। और उसके बाद मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ, 2B पेंसिल के बाद 4B पेंसिल का यूज़ करके मैं अच्छे से एकदम पेशेंट के साथ कर रहा हूँ। बहुत टाइम लगा था मेरे को इतना ही बनाने के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा हूँ कि पहले एक कॉर्नर बना के सेकंड कॉर्नर, वरना मैं हर बारी आई बनाता था, नोज़ बनाता था और उसके बाद मैं करता था। इस बारी मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी डिफरेंट ही है, तो मैंने यही सोच के कर दिया, चालू कर दिया। और हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का और नेडेबल इरेजर का ही यूज़ किया हूँ। और ऐसे ही देखते देखते मैंने इतना सारा बना दिया है, आप लोग भी जल्दी से मेरा देख के बनाइए। और उसके बाद मैं 2B पेंसिल को मैंने वहाँ पर यूज़ किया है, वहाँ पर बियर्ड थी पर बहुत छोटी छोटी बियर्ड थी। रेफरेंस फ़ोटो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगेगा फ़ोटो। मैंने बहुत मेहनत से फ़ोटो चूज़ की है और यही फ़ोटो मेरे को अच्छी लगी, आप लोग को कौन सी अच्छी लगती है वो भी बताना। और मैं ब्लेंड ब्रश से ही करूँगा, हर वीडियो में मैं ब्लेंड ब्रश से ही करता हूँ। लेयर वाइज शेडिंग करना है, मैं हर वीडियो में यही चीज़ बोलता हूँ, लेयर वाइज शेडिंग करना है, और वैसे ही मैं लेयर वाइज शेडिंग करता हूँ। और फिर मैं राइट साइड में आ चुका हूँ, अभी राइट साइड में जल्दी से HB की शेडिंग एकदम अच्छे से मैं HB की शेडिंग करूँगा, फिर उसके बाद 2B की शेडिंग करूँगा, धीरे धीरे करके सबकी शेडिंग करेंगे। फिर उसके बाद मैं 2B की शेडिंग कर रहा हूँ आइस पे, और 2B के बाद मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया, और फिर देन मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया, ज़्यादा डार्क जो रहता है आई का उसके लिए मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है, और शर्ट की जो लाइंस रहती है उसके लिए भी मैंने 4B का यूज़ किया है। और फिर मैंने ब्लेंड ब्रश से ही किया और टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट दी है। और अभी तो रोनाल्डो समझ नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे करके रोनाल्डो समझ आएगा, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं डालूंगा तो आप उसका भी वेट कीजिएगा। जल्दी मेरे चैनल पर नेक्स्ट पार्ट भी मैं डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग सब ज़रूर देखना और सपोर्ट करना और लाइक कीजिए। अगर पसंद आया तो कमेंट करना कैसा लगा, पसंद आएगा तो कमेंट करना आप लोग को कैसा लगा है। और उसके साथ मैं 4B की पेंसिल का यूज़ करके मैंने बियर्ड को बनाया है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने आईब्रो के लिए 6B पेंसिल का यूज़ किया और नोज़ के लिए HB पेंसिल, और फिर उसके बाद मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया और डार्क एरिया का उसके लिए 2B पेंसिल यूज़ किया, और हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो जीरो का यूज़ किया, और मैंने जो नोज़ के अंदर जो डार्क रहता है उसको मैंने 6B पेंसिल से किया, और वैसे ही मैंने टीथ के पास जो डार्क एरिया रहता है उसके लिए भी मैंने वैसे ही किया है, और मैंने बाकी का बाहर करने के लिए 4B पेंसिल का यूज़ किया, और फिर देन मैंने हाईलाइट दिया। नीडेबल इरेजर की हाईलाइट इधर नहीं दिया हूँ मैंने, सिर्फ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर की हाईलाइट दिया हूँ। तो आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, तो इसके बाद मैं किसकी पिक्चर बनाऊँ कमेंट कीजिएगा। आई होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही दासू वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।